वाह वाह रे मास्टर, काम बड़ा सही कीला। नयका उम्र का गोविया वो लोग कहीं सोच बा कि दुर्जन के है कुन नयकी नयाई हमारे कुल आवे ले भाई लोग। प्रभात भैया तैसा मिजाज बना दा राजा। देखा भैया ये लाइन सिंगार रस का हो, ये दुल्हन अपने दुल्हा से ओरहन देता हो, का कहल हो प्रभात बाबू? पहला रात पायल तोड़ला, दूसरा रात बाली हो, तीसरा रात झुमका नथुनी तोड़ला, हाली हाली हो, नहीं हरे अपना देव वो रहनवा रे जगी, नहीं हरे अपने देव ओ रहनवा रे जगी, आजा मारे में तुरला नया नया सुनने वाले बाबू, बहुत बहुत बिरह सुनौली। एक बिरह हम गौले रली, एक आना में एक बात पूरा गहुए आनर हो गए। अब ही गौले रली है, नन्ना मर गई ने। एक बिरह आप लोग को सुनावे चलत है, गहुए गाभिन। देखा भैया, गौए गाभिन से कोनो गलत अर्थ मत लगाया, ऋषि महर्षियन का देश हो। गौए गाभिन का अर्थ ही भेल कि मरद मेहरारू लड़िका सयान पूरा गांव भरे के गर्भ रह गल। कहबा कि दुर्जनी कुल और पटांग बात, और पटांग बात नहीं है, विद्वान लोगन के ही मालूम हुई कि भस्म से भस्मासुर पैदा भेल रहलन, गोबरे से गोरखनाथ पैदा भेल रहलन। यह भारत देश हो भाई। चार लाइन बसंत ऋतु का वर्णन। मस्त मादक बसंती पवन जब चला, गीत भौरों का गुनगुन सुनाने लगा, हंस पड़ी पंखुड़ी भिंग के प्यार में, गंध वैभव पवन में लुभाने लगा, मद भरी हुस्न की एक हवा चल गई, मद निशा में मदीना छुपाने लगा, अरे कुंज में कोकिला मारे किलकारियां, याद बिरहन के दिल को सताने लगा। देखा बिरहा में रोज रोज नया नया दो लोग सुनते हुआ, क्यों गावो थो कि दिया बुता के राजा गजब किया, क्यों गा देते कि ओठलाली में रोटी बोर की, तो लोग कितनी कुछ वैरायटी ऐसा दे दी जो भुलाया गल हुआ। पर्दा की बड़ी मास्टर, इस सिनेमा का तरज हो, तरज का तनी अंदाज सुना। सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, जा सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, सजनी अमीर साजन गरीब, बतौली की वंश बसंत ऋतु का वर्णन हो। कभी लिखत का हुआ
गावे कोयलिया बसंती मल्हार अमवा का डार झूमे बहार कितना मस्त महीना फागुन को होला हो बाबू कवि जी अपने कलम से वर्णन करत हूँ। अरे खिलनी कोई निया खिलल कचनार खिलनी कोई निया खिलल कचनार निबुला अनार मांगला प्यार भैया हम ना जाना कोई बकरी जब धनाए कोनी तो लोग चिक चिक कहलना तो नहीं कर भोजपुरी बनावा था कल आई हमारे नाम के तो पैसा 500 रुपया दिया चलल हुआ कुल को भोजपुरी तू कैसे बना दे बा तो यहाँ तनी बिरहा का बात सुना। राजू चल लगल पगहा संहार के और बाबू बोले लगल बोलिया रकार के भैया ये दर्द के जाने हो सारी रात जंगल में बापे बिटवा भटकत हो भाई चिल्लाते हो। राजू कहलस बाबू नसीब खराब हो न भैंसा मिली न भैंस धनाई अपने बाबू के राजू समझाओ तो कि पाए ना ही भैंसा दोनों पाए ना ही भैंसा दोनों लौटे तब घर आवा और कह राजू बनिया बाबू बरवे के तरवा कल त ना चलबे कल हम ना जाब तू ले चलाए के बन्हा तू कहाँ जेबे कल ई जंगलवा में शंकर भगवान के मंदिर हो तैसा दर्शन कैली का कल मैटर चला आई घर शिव जी के मनाई के और बाबू बोले लगल बोलिया रखा पिताजी से कलश की बाबू ले चलाए के बरे के नीचे बांधा किस्मत खराब हो भैसा न मिली न धनाई न कभू बियाई एहर राजू वही जंगले में भोले बाबा का मंदिर रहा देखा अहिर कितना सीधा होलन अहिरन का बड़ी बदनामी हो पुराने जमाना में गाजीपुर जिला में चोचकपुर हो मौनी बाबा का धाम वहाँ नैया डूब गई दरोगा जी मल्हवा से कहना अबे कितने आदमी थे कल ए साहेब झूठ न बोलब पाँच छठे आदमी रहना और कुल ही रहना दरोगा जी कहना अरे यार अहिर आदमी नहीं होते हैं कहना वह सब तो बोलना दऊच की तरसा तरज बदल गई भोले बाबा का पुजारी रहल राजू जाए के मंदिर पर कहे लगल ई तरज ऊ हो कौनो औरत जौन हो ससुरे से विदा हो के नैहर आइल हो सखी सहेली लोग पूछे ना आदमिनों से लड़कुआ पूछे ना कार्य ठीक ठाक रहल ना तो मेहरारूओ पूछे का बहनी तोर दूल्हा ठीक रहल ना तो बतावा था अरे बलमा बड़ा सुतवैया मका करो मतलब कहे सुन बहनी खोद खाद कैसो पिया के जगौली तबले जाग गई अय्या मौका
विचार हो हीरे के लड़का का। ए भैया वही जंगलवा में भोले बाबा के मंदिरवा पर जाए के एक गोड़े खड़ा होके कहत हो, अरे ना ही मिलना है भाई सवा मो का करूं। शंकर जी का माथा खराब हो कि सरवा अबहिले बेटवा बिटिया धन दौलत देत रहली, अब जनादवा की भैंसों खोजे परी। रोत हो सरकार 500 रुपया की पानी खरीदली, बड़ा उम्मीद रहल, व्यर्थ भइल है पैसवा मो का करूं। भगवान भोले के करे पर कब खुश हो जाला अंदाज ना लगत। 5 लाठी बैजू अहिर जंगले में मारे, उन्हों पर खुश हो गई ना, कहले बैजू इतना नियम से कोनो पीटे वाला भगत नहीं बेटा, मांगला भाई। कहले ये सरकार देव ही के बाय, तो आगे बैजू पीछे नाथ, वही बैजनाथ धाम है जहां बोलबम कंवरिया वाले जाते हैं। शंकर जी की दया आई, एक लकड़ी देना, कहना ले बेटा राजू तरज बदल गई हो। ये धोबी भाई लोग के घरे जब बारात आवेली उमें धोबियो लवंडा गावेलन, सुन के लोगन कहा जा भैया पहले साज न बजी हमार सुना। अरे यार हमें तू लवंडा समझ रहे हो, हम बताओ थे कि धोबी का लवंडा गावेलन। अरे भौजी सागारी ना हो, भौजी सागारी ना हो, भौजी सागारी चुनरिया चटकार चरवा काहे धूमिल भइले। ये कुल गीतन काज लोप होत हो बाबू, ये सब गीत खत्म होत हो, कोनो वही रहू गीत रहल, कोनो धोबियऊ गीत रहल, कोनो गुड़ऊ गीत। लेकिन भोजपुरी वाला बाबू लोग बहुत चलाक, उनकी लोकल की आरी गांव को धुन बा, लेकिन एक लय बड़ा बढ़िया हो। एक लेकिन ना बम्बई पुरन की दुनिया जो हो, लेकिन ना बम्बई एक सिनेमा का धुन मर, बड़ा परेशान करे लाना, बड़ा परेशान करे लाना, बड़ा परेशान करेला ससुरे में सजनवा गवनवा जबकि पहले गई ना। रात का टाइम हो, बाबू तो भैंस लेके घरे जात हुए, यार शंकर जी राजू नाम कहिर के बेटवा है, एक ठे लकड़ी एक हाथ का देलन, घबरात हुई, चाहत बा भैंसा दिखाओ थो लकड़ी। कला अरे बचवा सुन, बचवा ले हले जाया हो, बचवा ले हले जाया हो, बचवा ले हले जाया लकड़ी हमारा समैया तोहरो बदली जाई है ना। कल देखा अब तू करत हुआ बकवाद, रात भर के जागल ही अभी लकड़ी लकड़ा बेमतलब को फालतू बात, कहीं भैंसा का पता बतावा। भोले बाबा कहना अरे बेटा सुन, लकड़ी बहुत काम को तुहे दे थी, और धुन बदल गई, गोरकी पतर की रे कितना जने धुने भुला गए लोहिया, गोर की पतर की रे अरे मारे गुलेलावा जियरा उड़ी उड़ी जाए, गोर की पतर Yeah.
पहले लकड़ी थाम बेटा, शंकर जी के विग्रह हो, तू बकवास करत हुआ, कपारे पे चढ़त हुआ, दिखाई भक्तनों को बर्दाश्त करे पड़त हो, कल हमार बतिया सुन। सुना लड़ी कऊ हे, सुना लड़ी कऊ हे, अरे राखा लकड़िया वाला भेद छुपाए, सुना लड़ी कऊ हे, जा बेटा गांव में क्यों से मत बताए बेटा, नहीं बिहाने यहाँ भैंसिन का मेला लगाई जाई, गांव भर के अहिर लिया के भैंस मंदिर पे बांध दिए, मंदिर फंदिर कुल सिंह लगा के फेंक दिए, बस हमारी तो ही जानी ये जौन लकड़ी ले जात हुआ लाल, जौन तुहार भैंसिया चिल्ला थे हो, हमार नाम लेके एक लकड़ी जब मरबे तो सुन का हुई, अरे पहले छुअबे न बोली, पहले छुएबे न बोली, तब गिरी बदनिया से पानी, हमार नाव लेके जब दूसर की लकड़ी मार देबा बेटा, और दूसरी छुएबे तो गाभिन, देखा बात भैंस का उठे मेहरारू हमरे में बड़ी नाराज हो गई, लल कहे गुरुजी फालतू बकवास करते हैं, हम इतने कहली कि शंकर जी कहें कि रात भर चोकरत है मारे के लकड़ी, वो हमरे में बिगड़ गई, कोई भाई तुहार बात ना हो तो भैंस का बात हो तो भोले बाबा कहलन, दूसरी छुएबे तो गाभिन तब फूलिए पेट सोहरानी, सीधे पढ़िए वह पियाई कि सुन मोरी बोलिया है, अरे राखा लकड़िया वाला भेद छुपाए, एक ठे बढ़ा था राजा मास्टर तनी वही मस्त हो हिर का लड़का बा, अरे भोले बाबा, और गांव में हम कहे के उसे बताई, बाबू जोन बा लेके भैंस जात हूं दौड़ल, सुनकर शिव वरदान ध्यान से दौड़ल दौड़ल आया, कहे मत जा रुका बाबू, खड़ी कर आया भैंस से बाबू तनिको जिन घबर आया, टिकोरी मार बापे बेटवा तोहरे घर में बाजी छोरी और कमोरी, अरे कमोरी अरे कमोरी, दादा पुरान आदमी बिगड़ गई, चुप सा, रात भर दौड़ल गए कतो भैंसा का पता ना हो, ई जना तो शंकर जी का दर्शनवा करे में कुछ गड़बड़ हो गए, बताओ तो कि भैंसिया रोगा छोरी कमोरी बजी दही जमी और भैंस धनैले ना हो, बहुत होला जानेला, एक ठे बकलंड होला एक ठे सकलंड होला, दुठो मतलब बकलंड का मतलब मूर्ख, एक जो सकलंड बतौली है वो ऐसा रहलन कि उनकर मेहरारू कोनो भगा ले गल, उनके मेहरुआ कोनो ले गल भगा के ले गल, इनके कुछ दिन के बाद पता लगल कि हमारे मेहरारू की लड़का भेल,
ये बेचारा होके बिए हुआ लेके जाता रहा। अच्छा वो ले गल तो उसे का मतलब हो, एक एक लोग धरती पर हुआ चाहे सीधा जान ले। हमार गांव बरथरा कला हो, हम कोनो बात बिराह में जल्दी बनौआ ना कहीं थे, हम छोट रही हमारे गांव के एक ठे भोनू वही रहलन, उनसे हमन बतियावल जात रहे कि अरे भाई जो आए रहना रामनगर का राजा रहलन, जानते भोनू का कहना है करे बचवा राजा हुआ तो गुड़ो खात हुई है ना। हाँ उनके दिमाग की हम गुड़ कभो ना मिलत, उनके गुड़े ज्यादे बा सिधाई है सब। बात वहां पहुंचल कल देखते बकवास करत हुई एक ले चल बांध दे किस्मत मन के बिगड़ल हो। अच्छा तो धुन बदल गई, पहले के गावत रही हमन आधे पेटी का झूलवा अरे काने में काना फूलवा हबड़ा पुलावा पर खड़ी हबड़ा पुलावा पर खड़ी काट ऊखिया का गुलवा हबड़ा पुलावा पर खड़ी पुरान मसाला हो मैं कभी रहिया ले तनिसा खाली लय बदलल भैया खेसारी जी ही के गौलन सही आया रब गई ना बात कुल उतना तो लटका दिलन। हमान उघरी गावत रही बुलू भैया के बिरहा में गावे गिल भैल पिसना बनत नही लोई आनी यारे घर आनी यारे घर मुष्टि लील गई बेलना आनी यारे घर रोका रोका भैंस रोका बाबू काम बन गए हो सुना बाबू बतिया आज बनल की समतिया हम छुआई बला करी हम छुआई बला करी ओ सर राखा तनी तू पकड़ी हम छुआई बला कर बकवास मत कर बचवा राजू कहले बाबू सुना अब तू बुढ़ा आदमी तुहार दिमाग ना काम करत हो एक लकड़ी मारे दा अरे अपन बियाई तो लियाई भी तो के बकरी हम छुआई बल और हम छुआई बल कर ओ सर राखा तनी तू पकड़ी हम छुआई बल कर अपने पिता से सारा भेद बतौलस कि जंगलवा में भोले बाबा मिल गईलन हमारे पर दया आ गई बाबू ये लकड़ी दिले हुन कहले हो कि तीन लकड़ी मरवे तो भैंस भी आ जाई। एक बात सुन ला बौर बरात में दो चार ठे गांव को बूढ़ पुरनिया ले जाएगी चाहिए कुल नयका जाइए जान ला की मार खड़ी है वहां। दादा कहे सुन जब शंकर जी वरदान दे दिलन तो अब सरऊ तीन लकड़ी मार देबा हच दे बियाई जाई गांव में झगड़े न खड़ी हुई गंगा वाला कहे कि कहो बिहारी दादा अब वहीं रतिया के तो हूँ तुहार तो बेटा हुआ भैंसा खोद दिले मामी बियाह कब गई ली पहले चोर उलाता ना ना। हाँ कर सुन अकेले चल खड़े दो चार दस दिन के बाद तब एक लकड़ी मारल जाई और गाँव वाला पूछिया तो हमन समझाओ ले जाई तो ले गए ना घरे और घरे ले जाए कि जंगले में तो गांव रहल अब ले के शंकर जी का नाव जब तीन लकड़ी मरलस राजू बिया गई जब भैंस दिया लकड़ी मरई में खोस ऊपर पर है शंकर जी ऊपर पर उनका लकड़ी अपन काम हो गए दही मंठा मिली उके जाए विपत पाले।
हाँ काम लगी तो फिर खोसले ही फिर मार दे। बिया गई जब भैंस दिया लकड़ी मड़ई में खोस, एक दिन झगड़ा मचल गांव में राजू के आए होश हो, टिकोरी मारे बापे बेटवा, लकड़ी लेके दौड़ल मारे फूल है पेटवा 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 पेटवा। कौनो गांव को बात हो, तीन लकड़ी मरल सचों से शंकर भगवान का वरदान लगल, भैंस तो पड़िया भी आ गई। तो सजवा के नए के उम्र के लड़िकवा तनी गौवा के बहरवा बैठौकी करलन। लड़िका कुल कहना करे रजुआ, आठ दस दिन पहले यार तय तोर बाबू लेके भैंसिया बदे भैंसा खोत ले कैसे भी आ गई। बड़ा समझावे कि देखा भैया ये भैंस हमार पहले का गाभिन रहा, हम जान नहीं पौली, एक खाली चोकर का आदत हो। अब लड़िका चुप रहो झूठ बोलत हुए, ओकरे दिमाग में यार की लकड़िया तो हो मड़ैये में, अब काम कैला ये सब करी है बड़ा तंग, यहाँ के सिनेमा का तर्ज हो। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के, लकड़ी उठा के जब गांव के लड़कोहरिन के मारे लगल, कवि जी लिखत हुआ अरे मार गजब कर दीनी हो राजू लकड़ी छुआई। दिखाई भोले बाबा का वरदान हो, कबा की दुर्जन एहू में बताई कहाँ पहले है कपोल ना हो। बड़ा मजा आया हुआ गड़बड़ घोटाला, बड़ा का गड़बड़ घोटाला, मर्दन के पेटवा में लड़का जनाला, अब अभी तक गुंजाइश रहल भाई। ओकर संगी साथी जौन 20-25 से झगड़वा कैले रहलन, लेके शंकर जी का नाम एक हक लकड़ी जड़ दहलस, अब चाह कुर्ता निकाल के लोग फेंक शुरू के ना घरे ना पहुँचत हुए। राजू के दिमाग में आयल कि लकड़ी खतरनाक हो, अब का करी। तो आजकल तो कुआं ट्यूबवेल पंपिंग सेट समर सेबुल बहुत काफ़ी हो गए हो। वो जमाना में जंगले के गाँव रहें एक आकाश एक कुआँ रहल, अभी झगड़ा से यही लेकर लड़का जान बचावत हो। लकड़ी को दिया एक कुआना में डाली, भोले बाबा कहना रे बेटा जहाँ पद दे मरबे काम हो जाई, फेंक दलस कुआ में पनिया जे पियो के दैली बीमारी। पनिया लगेला जैसे चीनी हो सब पेटवे फुलाए, ए भैया हाँ गांव में एक आकठे कुआं, बूढ़ जवान लड़का सयान मरद मेहरारू वही कुआं का पानी सब पिए। अब जे पिए लगल काम एकदम गड़बड़ है अटपट, बटम उटम कुर्ता का सेट का खोला शुरू कैलन। तो बिरहा के तने लोगों रोकने रहा, देखा कवियन का हृदय सागर होला पूरा पूरा बड़ी मास्टर। बताई ला भैया हंसी मजाक अपने जगह हो, बिरहा ऐसा विधा हो कि पूरा बिरहा में एक लाइन अमल करवा जिंदगी बन जाई बाबू। आल्हा में कवि जी बयान खाली लकड़ी बदे लिखले हुआन, लकड़ी जन्म हमें का साथी बाटी मितऊ, लकड़ी से करी हसने ही आयपा, और लकड़ी का सुपवा पर ला सौरी,
लकड़ी पलंगिया पर भैला हो नहा और लकड़ी के डोलिया में सोहला से हरावा भैया लकड़ी के डोलिया में सोहला लकड़ी के डलवा पर सेनुरा कभा और लकड़ी बने ले गाढ़े दिन में सहारा भैया लकड़ी बने ले गाढ़े दिन में सहारा और लकड़ी का चीता जरे नदी किना लगल रही बाबू ये तो लकड़ी के बयान कवि जी लिखलन ओहर का हालत का हो जहाँ पूरा गाँव जंगले में पानी भी भैल हो फूल गए पेटवारे सारे गौआ के सब ही का गैली डॉक्टर साहब के गोहा ओ जंगल वाले गांव को लोग परेशान हुन और उनमें वह बचल हो जे घरे ना रहल नेपाल के राजा के पास खबर गई सरकार गांव का दुख बड़ियार बा पूरा गांव में गड़बड़ हो नेपाल का राजा वहां के सबसे बड़ा वैद्य डॉक्टर के भेजलन जरा देखिए भाई जी वो कोट मिरी चढ़ाए के लगोने चश्मा कहना राजन घबराने की बात नहीं है पूरे गांव वालों की बीमारी हम पकड़ लिया जंगल का गांव है पूरे गांव वालों को बरवट हो गई है हाँ पेटे में रोग होलाई अब भाई जी पहिर के मिल जाई जब अलन भैया गौआ में और सब ही का गैली डॉक्टर साहब के गोहा बड़ा अजब सीन रहल बड़ी तकलीफ होते हो पूरा गांव बूढ़ जवान लड़का सयान मरद मेहरारू जे जे पानी पीले हो सब वही चिल्ला था आए राम अब मर जाब डॉक्टर साहब का ना घबराने की बात नहीं है सबको ठीक कर देता हूँ एक गिलास पानी पहले मुझे पिलाइए दूर से आ ललन कोई बात नहीं अभी ठीक करता हूँ ओहो वही पिया सल डॉक्टर पियला जब अब पानी उन्हों के भाई न वह रोग सवा अबा गांव वालों घबराने की बात नहीं है एक गिलास पानी पहले मुझे पिलाइए सबको दवा दे रहा हूं चंद मिनट में ठीक कर दूंगा अगर भी लग रही है एक गिलास पानी जब भाई जी पियला ना तब मिर्जई का बटम होकर अब छटका लगल एकदम सुकुवार आदमी वो तो भैंस भैंस चरा वाला रहना बर्दाश्त करत रहना गौआ वाला कहल कि डॉक्टरवा तो मर जाई हमन के चार छः दिन से बढ़िया बीतत रहल वो ही सुखुआर आदमी बाप रे बाप नेपाल के राजा के पास खबर गई सरकार हम लोग ठीक हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक नहीं है बड़ा चिंता भई राजा साहब की हाथी पर बैठ के नेपाल के राजा वो गांव में जंगल वाले अलन राजा लोग बहुत बुद्धिमान होलन तब राजा रहलन राजा दिमाग लगा दिलन कि जंगल का गांव है तमाम जड़ी बूटियां होती हैं पानी आप लोग कहां से पिए थे कल सरकार एक ही कुआं है कल एक काम करो पहले कुएं का पानी छनवा दो तो कुआं का पानी जब छनावल गए लकड़िया तो भी फेंकले रह ली अरे बहरे लकड़िया जब कैला छनवा के कह राजू है बा लकड़ी है हमार राजा साहब कुएं का पानी छनवा दिए लकड़ी बहरे आए दौड़ के राजू ले ला सरकार ही हमारी लकड़ी है अरे कहना तोर कैसा लकड़ी रे सारी बात कहले सरकार झूठ न बोलब कुल पीछे वाली बात बतौलस कि भोले बाबा का वरदान हो कि जहां तीन लकड़ी मरबे काम हो जाए तो गौआ वाला बहुत ना घबरात रहने की गौए का लड़िको बा गौए से लकड़ियों बा डॉक्टर साहब बहुत परेशान रह कहना बछुआ राजू देरी मत कर पहले हमें खलिया देते दुआरे से बड़ा मरी हमार चल जात हुई
भैया आप कौन बात बताएं तो लोग से वहाँ आदमी का लाइन लग गई, वह लकड़िया मरवावे बदे डॉक्टर साहब हाथ जोड़े एक ठीक बढ़ाओ मास्टर आगे अरे हंस के बोलल राजू अपन लकड़ी उठाई के रोगवा छोड़े सबके लकड़ी छुआ के रोगवा छोड़े लेके शंकर भगवान का नाव हीरे का लड़का जंगल वाले गांव में का कैलस की बारी बारी लकड़ी के देहला छुआई और बारी बारी लकड़ी के देहला छुआई और मर्दन के बेटावा जन्म गई ले भाई शंका नहीं करेंगे। पशुपतिनाथ ब्रिकोदर एक किताब है पुस्तक जहाँ से यह कहानी मिली है। पशुपतिनाथ ब्रिकोदर उनमें यह लिखल है कि शंकर भगवान का नाव लेके राजू नाव का लड़िकवा लकड़िया सीधे मारे तो लड़िका जन्म जाए और लकड़िया उलट के मार दे तो लड़की पैदा हो जाए। समस्या बड़ा गहिर आएगी। नेपाल के राजा के ही चिंता भेल कि जंगले के गाँव आखिरी गरीबी रहल कैसो कैसो दाना घास उन्हन की पहुँचवावत रही। अब बूढ़ जवान लड़का सयान एक हफ्ते सब बढ़ाए के खाली हो गांव का आबादी दोनों दून हो तो राजा के एकर चिंता ना रहल उनके ही चिंता रहल कि मेहरुआ तो मान ला कुछ पिया लिए यदि मियाँ का पिए हैं। अरे ज्योतिष फालतू बात नहीं, राजा बड़ा चिंतित है कि औरतियन तो काम चल जाई यदि मियाँ कैसे पी दी लड़कवे कुल मर जाइन कहना बेटा राजू भैंस पालन का काम करो खटाल खोल दो दूध पैदा करो दूध मर जाएंगे सारे बच्चे। बहुत मतलब को बात हो बिरात सुनते हुआ वही जंगले में राजू का कैलस अरे कठवे का गाड़ा एक मड़ई बना के भैली काठमांडू शहर ये वह जाए के भैली हंसी मजाक अपने जगह हो बाबू। कठवे का गाड़ा एक मड़ई बना के खटाल खोल दिया दूध पालन का काम किया और भैली काठमांडू शहरिये वह जाए की वही काठमांडू में पशुपतिनाथ है और ये प्रमाण मिलता है कि वो लकड़ी जौन बा पशुपतिनाथ के दरबार में रखल गिलाज नहीं उस जमाने में नेपाल के राजा संक्रांति के दिन लकड़ी में लोहा छुआते थे तो सोना बन जाता था उस सोना को राजा दान करवाते थे। और गाना का आखिरी लाइन हो गुरु बिहारी गुरुपत्तू लोहा को करते सोना यादव सरजू ग्वाल कहे कि लगन जादू टोना टिकोरी मारे बापे बेटावा कविता छोटे लाल का रसधारा में घोरी टिकोरी मारे बापे बेटावा ओहो